आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा किस डायरेक्शन में सो रहा है। स्पेशली न्यूबॉर्न 6 ऐसे स्लीपिंग पोजीशन हैं कि अगर आप बच्चा आपका उस पोजीशन में सो रहा है तो बच्चों के लिए ये हार्मफुल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तूनख्वा। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि बच्चों के लिए सबसे अच्छी स्लीपिंग पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में 6 स्लीपिंग पोजीशन से बात कर रही हूँ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए कम्प्लीटली। तो उस पर डिटेल से बात करूँगी। तो डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं और फर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन पर बात करते हैं। फर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन ये है कि आपका बेबी जो है वो उल्टा सोता है, यानी टमी पे सोता है। अगर आपका बेबी बैक ऊपर करके टमी पे सोता है, स्लीपिंग टाइम उसकी ये है, तो ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है। इस पोजीशन में बच्चे को कभी ना सोलाए। हाँ, अलबत्ता न्यूबॉर्न के लिए 2.5 से 3 महीने बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेबी को फॉर सम टाइम आप टमी पे, जब बच्चा जाग रहा हो, टमी पे लेटा के बच्चा थोड़ी सी गैस भी पास कर सकता है, मसल रिलैक्सेशन भी होती है। सो सम टाइम्स के लिए लेटा सकते हैं, लेकिन नींद के टाइम बच्चे को अगर टमी पे बच्चा सोया हुआ है, उल्टा लेटा हुआ है, तो ये बच्चे की जो एयर वे है वो भी ब्लॉक कर सकती है, बच्चे का सांस भी फूल सकता है। सो बैक फ्रंट यानी टमी पे बच्चे को सोलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं समझा जाता। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि आपका बच्चा साइड्स पे सोता है। कुछ बच्चे होते हैं एक साइड पे सोते हैं, तो मोस्टली देखा होगा, मेरे सेकंड बेबी के साथ भी यही केस था, वो एक साइड पे ज़्यादा जोर देता था। तो ये होता है कि स्पेशली बच्चा जब पैदा होता है टिल 6 मंथ, ये मोस्ट जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है, जैसे हमारे बड़े सब कहते हैं कि इस टाइम बच्चे का हेड के जो बोन्स है वो सॉफ्ट होते हैं, वो जल्दी शेप पकड़ लेते हैं। अगर बच्चा एक साइड पे सो रहा है तो वो जो साइड होगी, आप देखें, वो जो साइड होगी वो अंदर की तरफ सर की दस जाती है, तो इस केस में बच्चे का हेड शेप डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आपका बेबी अगर एक साइड पे सोता है, तो बेहतर यह है कि अगर हेड का एक साइड निकला हुआ है तो जो निकला हुआ है उस साइड पे भी सोलाया करें, ताकि हेड प्रॉपर रहे। सो बेस्ट तरीका जो मेरी मॉम ने मुझे ये बताया कि न्यूबॉर्न स्पेशली 6 मंथ तक बच्चे को यानी एक रात एक साइड पे सोलाया करें, दूसरी रात दूसरी साइड पे सोलाया करें, और तीसरी रात स्ट्रेट सोलाया करें, जिससे बच्चे का हेड शेप जो होता है, बोन्स जो होते हैं वो उनका शेप डिस्टर्ब नहीं होता। तो बच्चे स्पेशली ये होना चाहिए कि बच्चों को साइड्स पे सोना ही नहीं चाहिए, इसलिए हेड शेप डिस्टर्ब होता है। अगर होते हैं तो ये तरीका फॉलो कीजिए। थर्ड जो तरीका है वो है कि बेबी को आप स्विडल करते हैं और सुलाते हैं। सो बेस्ट चीज़ है, जब स्विडलिंग करते हैं तो बच्चे आराम से सो जाते हैं। स्विडलिंग करते टाइम ये भी देखें कि वो जो जिस क्लॉथ में स्विडलिंग कर रहे हैं वो बहुत मोटा ना हो गर्म मौसम में, क्योंकि अगर ऐसा है तो बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो कपड़े का ध्यान रखें कि जिस कपड़े में आप स्विडलिंग करके बच्चों को सुला रहे हैं, तो कवर करके बच्चों को सुला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए गर्म मौसम के हिसाब से। फोर्थ टिप ये है कि बच्चे का मुँह कवर ना करें। यानी मुँह कवर कर रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है, नेट होती है, हमारे यहाँ जो देसी चीज़ बनती है, लोहे की बनती है, वो हम सर के साइड पे रख देते हैं और ऊपर हम सफ़ेद कपड़ा डाल देते हैं, जिसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चे का नाक जो जिससे बच्चा सांस लेता है उस पे कपड़ा नहीं आता और बच्चे की सांस नहीं फूलती। सो बच्चे का मुंह ढका हुआ ना हो, अगर मुंह ढकना भी है तो ऊपर कुछ ऐसा रखे कि स्पेस हो बच्चे की नाक और कपड़े के बीच में, ताकि बच्चे की सांस ना फूले। फिफ्थ टिप ये है कि बच्चों को हाई पेलो पे ना लेटाएं, जिसका जिक्र मैं बहुत सारी वीडियोज़ में कर चुकी हूँ कि हाई पेलो पे बच्चे को लेटाया जाता है तो बच्चे की नेक जो है आगे जाके, स्पेशली न्यूबॉर्न की, वो बेंड होती है, यानी उनके शोल्डर जो होते हैं वो पूरे हाई पिलो पे होते हैं, तो बाकी बॉडी नीचे होती है, यानी बिस्तर पे होती है, शोल्डर और गर्दन जो होती है वो हाई पिलो पे होते हैं, जिसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है, जब बड़ों की पिलो यूज़ की जाती है, जिसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि बच्चे के शोल्डर और गर्दन आगे रह जाती है और बाकी बॉडी पीछे रह जाती है, जिसके वजह से बच्चे की बॉडी बेंडेड लगती है आगे जाके, जब बच्चा बड़ा होता है तब आपको रियलाइज़ होता है। एंड सिक्स एंड लास्ट टिप ये है कि मोस्टली मदर ज़्यादा सुस्ती की वजह से जब बच्चे को वो अपने पीठ पर कर लेती है, यानी अपने चेस्ट पर लेटा देती है उल्टा टमी पे, तो बच्चे जो होते हैं, जाहिर है प्यार की वजह से भी लेटा देती हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो उसी हालत में सो जाते हैं। अगर बच्चा आपने लेटाया है चेस्ट के ऊपर, बच्चा टमी पे,
सही है, बच्चा खेल रहा है, बच्चों की हाथों पांव की स्ट्रेचिंग हो रही है, बच्चे की ये पोजीशन, यहाँ पे बच्चा बहुत कुछ लर्न भी करता है। लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम भी नहीं सुलाना चाहिए, साथ ही साथ स्पेशली न्यूबॉर्न, साथ ही साथ बच्चा जैसे ही सो जाए उनको अपनी पोजीशन में स्ट्रेट लेटाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुलाते टाइम बैक पे लेटाना या टमी पे लेटाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। सबसे बेस्ट जो स्लीपिंग पोजीशन है बच्चे के लिए वो ये देगी कि इस तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट हो बच्चे की सर और पूरी बॉडी स्ट्रेट फॉर्म में हो तो बच्चे की बॉडी शेप भी अच्छी आती है, बच्चों की स्लीपिंग पोजीशन यही ही सेफ होती है। और कोशिश करें ये स्लीपिंग पोजीशन स्ट्रेट फॉर्म में कम से कम एक साल तक या उससे कम 6 मंथ स्टार्टिंग ज़रूर फॉलो किया करें। उम्मीद करते हूँ ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए यकीनन हेल्पफुल साबित रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।